जीव में जनन, आज का टॉपिक है जीव में जनन, अलैंगिक और कायिक जनन के बारे में आज हम जानेंगे। जीव में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, संतत में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद और नए संतत को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, यानी जीव के जाति को जीवित बनाए रखती है। जीव द्वारा अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। में जनन के प्रकार, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर एक, अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव जनन करके संतत उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतत उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। यह आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है, जिन्हें क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन समय रूप से एकल जीव पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। परजीव तथा एक केंद्र की जीव जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनक कोशिका दो कोशिका में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। प्रोटिस्टा में आपके जीवाणु वगैरह आते हैं और मोनेरा में बड़े जीव। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक अवयस्क जीव के रूप में तीव्रतापूर्वक वृद्धि कर जाता है। जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रेना आदि। एक उदाहरण अमीबा का दिया गया है। यह विभाजन होकर द्विखंडन करके दो नए अमीबा में पड़ जाता है। इसी प्रकार से ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नई ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं, यानी नई जीव में परिपक्व हो जाती हैं। इसमें कलिका द्वारा जो है जनन होता है, जो ये ईस्ट के इस प्रकार कलिका बनने से और चित्र में स्पष्ट हो जाता है कि दो कोशिकाएं एकदम से एक समान होती हैं। अगला आता है कायिक परिवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पादपों में कायिक परिवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तर, सर, परकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तर, ऑफसेंट सभी नई संतत को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक परिवर्धन प्रोपेग्यूल कहलाती हैं, क्योंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। जैसे ब्रायोफिल्म में यानी पत्थर चट्टा की पत्तियों में पर्णकलिकाओं द्वारा जनन, आलू में, पोटैटो में आँखों द्वारा जनन एक कंद है, और ये रैजू में इसमें भी पर्व संधियों में से कलिकाएं आते हैं, उनसे नए जीव का होता है, और इस जड़ में अगेव का बुलबिल है, इसके यह भी एक नए पादप में चेंज हो जाता है। ये सभी कायिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पुनर्द्वन रीजनरेशन, कुछ जीवों में यह शरीर अन्य टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतत उत्पन्न में सक्षम होते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा या पोलिनेरिया।
यह भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, हाइड्रा में दो टुकड़े होने पर दोनों नए जीव में बन जा रहे हैं। इसी प्रकार से प्लेनेरिया है, यह भी जितने इसके टुकड़े करते हैं उतने ही नए सभी टुकड़े नए प्लेनेरिया में चेंज हो जाते हैं, यह एक रिजनरेशन है। इसके बाद है क्लोन, आकारी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव के लिए क्लोन शब्द प्रयोग किया जाता है, अर्थात वही जीव जो आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं वही क्लोन कहलाते हैं। तो जो अलैंगिक जनन है या कायिक जनन है, इसके द्वारा जो उत्पत्ति संतति होती है वह अपने माता पिता के यानी अपने जनक की क्लोन होती है।